प्रदेश सरकार अय्याश किस्म के मनचलों को सबक सिखाने के उद्देश्य कितने भी एंटी रोमियो जैसे अभियान चलाए लेकिन अय्याश किस्म के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक नजारा जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में देखने को मिला जहां कक्षा 9 की छात्रा के साथ विद्यालय के कार्यालय में फीस शुल्क के बहाने बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। हरकतें करने वाला कोई और नहीं विद्यालय का मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा जो गांव के पास में ही बना एक विद्यालय में शिक्षा अध्ययन के लिए प्रतिदिन आया जाया करती थी। छात्रा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी, बीते 20 अप्रैल को अंग्रेजी प्रश्न पत्र देने के लिए आई हुई थी। छुट्टी के समय विद्यालय के प्रिंसिपल ने उसे फीस शुल्क को लेकर अपने कार्यालय में बुला लिया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए अश्लील हरकतें की। छात्रा द्वारा चीखने चिल्लाने पर वहां पर मौजूद अन्य अध्यापक कार्यालय की तरफ दौड़कर मौके पर पहुंचे, वैसे ही प्रिंसिपल ने छात्रा को छोड़ दिया। डरी सहमी छात्रा आनंद फानंद में अपने घर पहुंची जहां विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा की गई हरकत के बारे में अपनी मां को पूरी बात बताई। वैसे ही छात्रा की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित छात्रा अपनी मां को लेकर थाना बरनाहल पहुंची जहां पुलिस को छात्रा की मां ने तहरीर दी है। पुलिस ने जांच करते हुए छात्रा की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई है। देवेंद्र कुमार, मैनपुरी। घटनाक्रम रहा है, मैं पेपर देने गई थी वहां पे, तो फिर एकदम सीने पे साथ लेके गए और किस टाइम नहीं आई जब तक दूसरा टीचर उनका लड़का आ गया। क्या नाम है टीचर का जो ये इस तरीके की हरकत कर रहा था? उन्नीस। ये क्या आपके यहाँ पदवार है, इनका कौन है? जाना ये प्रधानाचार्य स्कूल प्रधानाचार्य। मतलब ये अन्य लोगों के साथ भी करता है कि आपके साथ भी कर चुका है? नहीं, बहुत लोगों के साथ कर चुका है। बहन जी, आप थाने आई हैं, क्या पूरा मामला है? मामला है, लड़की आई है स्कूल पर, तो पहले गेट खोलो आई तो पकड़ की एकदम पकड़ के उनका ये रोई उठी, जैसे मास्टर ने पानी पकड़ लिया तो किसम बुलाई लड़की सभी बहनों से। अच्छा, ये अध्यापक जो है पहले भी अन्य महिलाओं बच्चियों के साथ भी कर चुका है? ऐसा ही अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है? मतलब वही पंचायत पंचायत कहीं हो जाते पिटू लेने दो। थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है? क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस अभी तक? आरोपी पकड़ा गया या क्या पूरा मामला है? सर, हमारी बच्ची के साथ जो जो व्यवहार गलत हुआ है। क्या हुआ? उस मास्टर ने साहब बुला करके गलत व्यवहार बोल करने की सोची, तब तक उसका बच्चा आ गया सर। वो कई लड़कियों के साथ कर चुका है। क्या नाम है? मुन्नेश कुमार। ये कहाँ है विद्यालय? विद्यालय नवा टेड़ा रोड करेल। किस नाम से है? ज्ञान सरोवर नाम से। इस संबंध में आपने कुछ थाने में तहरीर वगैरह? तहरीर दी, उसमें वो लिख ली गई है, दी गई है, बता रहे बयान के लिए ले जा रहे हैं। अब देखो वहाँ क्या कार्रवाई होती है। वैसे वो दमंग है सर, बहुत दमंग है। पहले भी किसी महिला या हाँ कई लोगों के सर पीजा, कई लोगों के सर दमंगी से दबा लेता। हमारे पास भी धमकी आ रही है इधर उधर से। धमकी दे रहा है वो, फैसला कर लो ना, तुमको जो कर देंगे यहाँ रहने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा। और लोग आते उसके साथ और लोगों को देखता है।